हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज़ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द आरएमसी अपकमिंग एग्ज़ाम जो दिसंबर में आने वाला है। काफ़ी बच्चे हैरान परेशान नर्वस भी हो रहे हैं, मेरे पास काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं कि सर क्या करें लास्ट मोमेंट में। पेरेंट्स के भी मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं कि सर बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट करें, सर थोड़ा सा बच्चा डिमोटिवेट हो रहा है। तो इसीलिए मैं स्पेशली वीडियो लाया हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को करनी है, क्या डूज एंड क्या डोंट्स हैं, नेचर ऑफ एग्जाम को समझते हुए आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर आरएमसी दिसंबर 2023। माय नेम इज सूरज आर्य एंड आई एम द एकेडमिक हेड ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखिए नेचर ऑफ एग्जाम को समझते हैं, ठीक है। आरएमसी का जो एग्ज़ाम है ना, देखिए मैं कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इन डिटेल बात करूँगा, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। सारे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। देखिए सबसे पहले अगर मैं नेचर ऑफ एग्ज़ाम समझूँ, सो इट्स अ वन डे एग्ज़ाम, एक दिन का एग्ज़ाम है। और इस एक दिन के एग्ज़ाम में, पहले ये दो दिन में हुआ करता था लेकिन अब नया ट्रेंड काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो एक दिन का ये एग्ज़ाम है। और इस एक दिन के एग्ज़ाम में आपको तीन पेपर्स देने हैं, ठीक है। पहला पेपर होता है मैथ्स का, मैं आपको बता दूँ, 9:30 बजे से स्टार्ट होता है और चलता है 11 बजे तक, 11 AM, 9:30 to 11 का मतलब है 1.5 आवर का ही पेपर है मैथ्स का, ओके। अब मैथ्स का पेपर कैसा गया, बच्चे का अच्छा गया है या ठीक नहीं गया है, या बहुत अच्छा गया है या बहुत खराब गया है, इस पर कहीं ना कहीं बच्चे की परफॉर्मेंस आगे वाले पेपर्स में इम्पैक्ट डाल सकती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले थोड़ा सा पेपर को समझते हैं। इट्स अ वन डे एग्ज़ाम, मैथ्स का पेपर 9:30 से 11, उसके बाद फिर जीके का पेपर, 1 घंटे का ब्रेक मिलता है इन बिटवीन बच्चों को, उसके बाद 12 से 1 बजे तक ये पेपर होता है आपका जीके का। एंड उसके बाद आपको पूरा 1.5 आवर का ब्रेक मिलेगा 1.5 घंटे का, और फिर इंग्लिश का पेपर होगा, और इंग्लिश का पेपर होगा 2:30 to 4:30, पूरे 2 घंटे का है। तो कम से कम 1.5 आवर आप देखेंगे, 1.5 आवर का जो पेपर है वो है मैथ्स का। मैथ्स के लिए एग्जैक्टली 1.5 आवर मिलते हैं, जो कि काफ़ी नहीं होते, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस 1.5 आवर पे सारे पेपर्स को कंप्लीट करने करने के लिए, ओके। तो काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, उस पर भी बात करूँगा अभी। फिर जीके का पेपर 1 घंटे का है, बच्चे तो 15 मिनट्स 20 मिनट्स में ही कर लेते हैं, इसको 1 घंटा मिलता है। और इंग्लिश के पेपर के लिए एग्जैक्टली 2 आवर्स मिलते हैं, लेकिन 2 घंटे में भी मैं देखता हूँ बच्चे जब आते हैं पेपर से बाहर निकल के, तो बोलते हैं सर मेरा ये राइटिंग सेक्शन छूट गया, ये छूट गया। तो सभी के ऊपर एक ओवरऑल बात करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ एग्ज़ाम समझो, एक ही दिन में तीनों पेपर होंगे, सो इट इज़ एन एग्जॉस्टिव एग्ज़ाम। मैं आपको बता दूं कि बड़ा एग्जॉस्टिव है, तो ऐसे एग्जॉस्टिव एग्ज़ाम के लिए पहले से प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो आप ये रूटीन देख रहे हो उस दिन का, ठीक है, 2 दिसंबर को एग्ज़ाम है और उस दिन बच्चे बैक टू बैक पेपर देंगे, बीच में गैप मिलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना, तो इसकी प्रैक्टिस पहले से होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि ना, आप लोगों को सबसे पहले मॉक पेपर्स देने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इसी से आपका जो फियर है, जो वो नर्वसनेस है ना, उसको आप ओवरकम कर पाओगे। तो मॉक पेपर्स देना शुरू में बहुत ज़रूरी है। मॉक पेपर्स भी ऐसा नहीं कि आप किसी भी टाइम में कोई भी एक कर रहे हैं, प्रॉपर टाइमिंग को फॉलो करके। इसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जो टीचर्स बच्चों को गाइड कर रहे हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। हम भी अपनी अकेडमी में इस रूटीन को फॉलो करते हैं, पेपर होता है तो इसी के अकॉर्डिंगली होता है। टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सुबह बच्चा उठेगा उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेगा अपने आप को। हम जैसे एकेडमी में टाइम रखते हैं कि 9:30 बजे से पेपर शार्प स्टार्ट हो जाएगा, तो बच्चे उसके अकॉर्डिंगली घर से ब्रेकफास्ट करता है, सारी चीज़ें हैं, तो वो अभी से प्रैक्टिस हम लोग बच्चों को करवा रहे हैं, ताकि ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम उनको ये हेक्टिक ना लगे स्केड्यूल, या उनको बहुत एग्जॉस्टिव ना लगे, या वो नर्वस ना हो बेसिकली, ठीक है। सो व्हाट इज़ द की पॉइंट हियर, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस मॉक पेपर्स अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग, ओके, अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग। इसी को कहते हैं हम मैनेजमेंट, यहीं से टाइम मैनेजमेंट को बच्चे सीखेंगे। अब बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, उस ब्रेक में क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो में बात करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। बट अभी मेन जो हमारा मुद्दा है वो है कि कैसे उस नर्वसनेस को हम ओवरकम करें, ठीक है, जिसके लिए बच्चे मुझे कंटिन्यूसली फ़ोन कर रहे हैं, ओके। तो दिस इज़ द फर्स्ट या फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये क्या हमें करना है। अच्छा, अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपका आपके अब एग्ज़ाम के जो बीच में गैप्स हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि एग्ज़ाम के बीच में आपके
ये एक एक घंटे का जो गैप आपको मिला है, यहाँ पर आपको एग्जैक्टली 1 आवर का गैप मिला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जैक्टली 1.5 आवर का गैप मिला हुआ है, ठीक है। तो इस गैप में मैं बच्चों से कहता हूँ कि आपका ना पहला पेपर का इम्पैक्ट दूसरे पेपर में नहीं पड़ना चाहिए, दूसरे का इम्पैक्ट तीसरे में नहीं पड़ना चाहिए। मैथ्स का पेपर चाहे जितना भी अच्छा गया हो या चाहे जितना भी गंदा गया हो, दोनों ही आपके लिए हार्मफुल है, क्योंकि बहुत अच्छा चले गया तो बच्चा खुश ज़्यादा हो जाएगा और खुशी से आगे जीके के क्वेश्चंस भूल सकता है या टेंडेंसी बढ़ जाएगी उसको गलत करने की, ठीक है। तो पेपर चाहे आपका अच्छा गया बुरा गया, आपकी मेमोरी लॉस हो जानी चाहिए मैथ्स के पेपर के बाद, ठीक है। वो है ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, गजनी फिल्म देखी है आपने, मैथ्स का पेपर दिया भूल जाओ कि मैथ्स का पेपर दिया भी है, जीके का पेपर दिया भूल जाओ मैथ्स और जीके के बारे में आपको याद ही नहीं, आपको सिर्फ इतना पता है कि मेरा इंग्लिश का पेपर है। बेसिकली यू हैव टू फाइट, वो फाइटिंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका, ठीक है, क्योंकि आप फाइट ही तो कर रहे हो उस दिन, तो आपको लास्ट तक फाइट करनी है, ओके। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो मेमोरी लॉस वाला फंडा मैं बता रहा हूँ, पहला पेपर मेमोरी लॉस, दूसरा पेपर दोनों वाली मेमोरी लॉस, दोनों पेपर आपको, फिर तीसरा इंग्लिश का होगा, फिर इंग्लिश का पेपर जब हो जाए तो उसके बाद देन यू कैन डिस्कस कि पेपर कैसा गया क्या किया। ऑलरेडी हम लोग वीडियोज़ भी बनाते हैं, पूरा डिस्कशन के ऊपर हमारा वीडियो रहता है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अभी मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों के लिए अनाउंस करने जा रहा हूँ, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ सरप्राइज, क्योंकि बच्चे बड़े बहुत नर्वस हो रहे हैं, तो इसी नर्वसनेस को रिमूव करने के लिए मैं आपके साथ एक ऑफ़र लेकर आया हूँ, और वो ऑफ़र है इट्स ऑल अबाउट दिस 5 डेज टेस्टिंग। ये जो 5 डेज का वर्कशॉप है, बेसिकली ये 5 डेज का वर्कशॉप मैं ला रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली इस 5 डेज के वर्कशॉप में हम क्या क्या करवाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ इन डिटेल, ठीक है। देखिए 5 डेज वर्कशॉप में आपके देयर आर टोटल 5 to 6 वीडियोज़, जिसमें हम डे वन में बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स में थोड़ा सा इन डिटेल्ड बात करते हैं हम लोग। डे टू में हम बात करेंगे अबाउट दी मैथ्स पेपर के सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ को उसमें कवर करेंगे, विल कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट एरियाज़, ताकि वो कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर आ जाए कि हाँ एक काइंड ऑफ रिविजन बच्चों का हो जाए। डे 3 हम लोग इंग्लिश को कवर करते हैं, जिसमें सबसे पहले ग्रामर पोर्शन, और डे 4 में वी कवर द राइटिंग सेक्शन पार्ट, ठीक है। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा राइटिंग सेक्शन में भी हेल्प चाहिए, थोड़ा सा जिस्ट चाहिए राइटिंग सेक्शन का, तो वो उनको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड फाइनली डे 5 में हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ जीके, ठीक है। जीके में भी स्टैटिक है और करंट अफेयर्स है, तो डे 5 डे 6 इसको भी हम फर्दर इलैबोरेट करते हैं, ठीक है। पहले डे 1 में टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सारी दे देंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये एक ऑफ़र है, अब इस ऑफ़र में इस 5 डेज वर्कशॉप को अगर आपको अवेल करना है तो आपको हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड करना पड़ेगा, और ये स्टूडेंट के डिमांड पर हम लोग इस कोर्स को लॉन्च करते हैं, ठीक है। कोई बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं क्या करें, तो उनके डिमांड पर हमने इस कोर्स को लॉन्च किया है और आपके लिए बेहतरीन ऑफ़र है। वैसे तो इसको हम 2500 का देते हैं, बट 80% डिस्काउंट देने के बाद सिर्फ 499, एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको 5 डेज़ का कोर्स दे रहे हैं हम लोग। इसके साथ साथ एक और आपके लिए सरप्राइज़ है, जो हमारा फुल फ्लेज्ड RIMC का कोर्स है। अभी भी आपके पास काफ़ी दिन बचे हुए हैं, 1 हफ्ते से ज़्यादा दिन है, आप इससे भी बहुत अच्छा अपना रिवीजन कर सकते हैं रिकॉर्डेड सेशन से। 12,000 का कोर्स है, 999, ठीक है, 999 में आपको हम लोग ये 1 मंथ का कोर्स दे रहे हैं। इट्स अ फुल फ्लेज्ड कोर्स जो कहीं ना कहीं आपको रिवीजन में आपकी मदद में आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं, वो फैसिलिटी है डाउट्स की। अगर आपको डाउट्स पूछने हैं, जो जो बच्चे इन कोर्सेज़ को अवेल करेगा वो डायरेक्टली मुझसे फ़ोन करके डाउट्स पूछ, ठीक है, ओके, या व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप के थ्रू भी बच्चे डाउट्स पूछ सकता है, उसको मैं एंटरटेन करूँगा जो जो बच्चे कोर्स को अवेल करेंगे, ठीक है, उनको एक एडिशनल बेनिफिट ही मेरी तरफ से है। अच्छा चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो मैंने सबसे पहले आई हैव टॉक्ड अबाउट द नेचर ऑफ द एग्ज़ाम, मैंने एग्ज़ाम के नेचर के बारे में बात करी, और मैंने आपसे पहला पॉइंट कहा कि आपको मॉक पेपर्स को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द रूटीन या अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है। टाइमिंग के हिसाब से आप लोग कम से कम अगर 4 to 5 मॉक पेपर्स भी कर लोगे, सो ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम आप नर्वस नहीं होंगे उस दिन, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है, जिसको मॉक प्रैक्टिस, ड्रिल प्रैक्टिस बोल दो। फौजी क्या करते हैं, इतनी ड्रिल क्यों करते हैं, इतना प्रैक्टिस क्यों करते हैं, ताकि कहते हैं ना द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, ठीक है। जितना आप पीस टाइम में पसीना बहाओगे उतना ही कम खून बहेगा आपका वॉर लाइक सिचुएशन में, वही प्रैक्टिस आपको यहाँ इंप्लीमेंट करनी है। आखिर तैयारी तो हम लोग आर्म फोर्सेस की कर रहे हैं ना, तो उस एटीट्यूड को हमें ज़रूर अपने
अपने अपने अंदर इम्बाइब करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एक और चीज़ की। देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लड़ाई तो है ही, अब RIMC का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं लड़ाई में तो जा ही रहे हो ना, आपके लिए तो कहीं ना कहीं वॉर लाइक सिचुएशन ही है ना। तो भैया जब लड़ाई में जाओगे तो अपने हथियार लेके तो जाओगे ना साथ में, ठीक है। तो दूसरा जो मेरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ठीक है, बच्चों को बता रहा हूँ, बच्चे कभी कभी यहाँ पर भी नर्वस हो जाते हैं क्या कैरी करना है क्या नहीं कह रहा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपके लिए आपके वेपन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वेपन्स का मतलब है यहाँ पर आपके जितने भी स्टेशनरी आइटम्स हैं। अब आपको बताया मैथ्स के पेपर में कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके पास कंस्ट्रक्शन बॉक्स भी होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपके पास कंपास हो, प्रोटेक्टर हो, रूलर हो, पेंसिल हो, सारे वेपन्स आपके अभी से तैयार हो जाने चाहिए। उसके अलावा क्योंकि क्लियर इंस्ट्रक्शन है RIMC में दैट यू हैव टू यूज़ ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन। तो ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले एक नया बॉल पॉइंट पेन ले रहे हो और उस नए बॉल पॉइंट पेन के वजह से आपकी स्पीड आप उस वो अचीव नहीं कर पाए जो आप कर रहे थे ऑलरेडी अपने। क्योंकि होता क्या ना, जब आप थोड़ा सा पेन को एक बार यूज़ कर लेते हो ना तो वो और स्मूथ हो जाता है। मैं आपसे ये कहूँगा कि एक नया पेन नहीं ले जाना, आप उस पेन से थोड़ा सा ज़रूर लिखना ताकि आप वो आपको वो स्मूथनेस बरकरार रहे, क्योंकि यहाँ पर हम स्पीड को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए समझना। तो द सेकेंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर वेपन्स, ठीक है। तो अपने अपने हथियार तैयार करो, एक फौजी के हथियार हमेशा तैयार रहते हैं उसके पास, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन फौजी के लिए, तो भैया लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, तो आपके हथियार तैयार होने चाहिए एकदम, चाहे उसमें आपका एडमिट कार्ड हो। एडमिट कार्ड में अगर प्रिंसिपल के साइन करवाने हो तो वो भी करवा दो अभी। मैं नहीं चाहता कि फाइनल वो पैनिक सिचुएशन आ जाए बच्चे के ऊपर कि ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया एंड ऑल, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा तीसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बच्चों से कहता हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम से एक दिन पहले नींद नहीं आती है, कभी बच्चे क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कभी अच्छे से बच्चे सुबह फ्रेश नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नर्वसनेस या वो पैनिक बच्चे के अंदर रहता है। तो मैं अभी से कहूँगा कि अपने खाने में फ्रूट्स या फाइबर को बहुत ज़्यादा आप इंक्लूड कर लें अभी से, एंड ऑन द डे ऑफ योर एग्ज़ाम फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाइए ताकि ज़्यादा कार्ब्स आपकी बॉडी में ना जाए और आप एक्टिव रहो थ्रू आउट द डे। भैया जैसे ही एग्ज़ाम छूटे आपका 4:30 बजे, उसके बाद जो भी करना है डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, लेकिन उससे पहले आप हल्का नाश्ता करें, हल्का बीच में टाइम मिले लंच करें, फ्रूट्स भी खा सकते हैं उस पर, ठीक है, ताकि आप उस दिन सस्टेन कर पाएँ ऑन द डे ऑफ योर एग्ज़ाम, ठीक है। तो वो हैबिट अभी से बना लें, जिस दिन आप अपना मॉक पेपर दें उस दिन आप उसी तरीके का खाना खाएँ जो आप उस दिन खाएँगे, ठीक है। वो पेरेंट्स को पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि अच्छा ये एग्जामिनेशन सेंटर है क्या मिलेगा, ठीक है, उस दिन राजमा चावल छोले भटूरे जैसे चीज़ों से दूर ही रहिएगा, ठीक है। खासकर पेरेंट्स को मैं बता दूं क्योंकि आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को क्या खिलाना है ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम, उसकी परफॉर्मेंस में उससे इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिएगा कि इंग्लिश का पेपर है जो बीच में लंच ब्रेक मिलेगा, उसके बाद तुरंत इंग्लिश का पेपर है, तो घर से कुछ बनाकर या ढोकला काइंड ऑफ जो आपका लाइट फूड है वो आप कैरी कर सकते हैं, या फ्रूट्स खाएंगे तो चलेगा, एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर एक चीज़ और बता दूं, अगर एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको नींद नहीं आई, ठीक है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, नींद नहीं आई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे फौजी तीन तीन दिन नहीं सोते हैं मिशन्स में जब जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक दिन नींद नहीं आई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके ये माइंड सेट है सबसे इंपॉर्टेंट, इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल टेम्परमेंट। दिमाग में सोच लेना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरी बॉडी को, मैं पूरा पेपर अच्छे से करूँगा, आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, आपके ब्रेन की एक्टिवनेस या एफिशिएंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना। इफ़ यू हैव ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड, अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या खाना है, ठीक है, उस दिन फूड आपको क्या कंज्यूम करना है, दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ताकि मैं वही चीज़ है कि बच्चे नर्वस ना ऑन द डे ऑफ योर एग्ज़ाम। फाइनली एक चीज़ और डिस्कस करूँगा मैं, और वो है कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। क्योंकि एक पेपर कुछ चले गया, ख़राब चले गया, अच्छा चले गया, तो वो कॉन्फिडेंस बच्चा लूज़ कर जाता है, तो उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। देखिए, कॉन्फिडेंस आपका आधा काम पूरा कर लेता है, ओके, इट सम हाउ मेक्स 50% ऑफ योर वर्क, ओके। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा हूँ, नहीं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने तैयारी करी है, दोज आर वेल प्रिपेयर्ड। क्योंकि जिन्होंने तैयारी करी है बेचारे नर्वस भी वही होते हैं, तो तैयारी नहीं करी वो क्या नर्वस हो गया, तो जाएगा एग्ज़ाम फॉर्मेलिटी के लिए। तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन बच्चों ने तैयारी करी है, अच्छी तैयारी करी है इस बार के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, ओके। तो उन बच्चों की मैं बात करूँगा कि आपके अंदर एक इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं उस दिन अच्छा परफॉर्म करूँगा, मैथ्स का क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग बेटा। तो ये माइंड सेट पहले से हो जाना चाहिए,
एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं, इंग्लिश का भी पेपर होगा ना, आई विल गिव माई बेस्ट, टाइम के अकॉर्डिंगली आई विल डू ऑल द राइटिंग सेक्शन, ग्रामर, रीडिंग सेक्शन पूरा पार्ट करूंगा, आई विल नॉट लीव इवन अ सिंगल क्वेश्चन. ये माइंड सेट के साथ अगर आप जाओगे तो ना डेफिनेटली आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा. ओके, तो कॉन्फिडेंस शुड बी देयर. और एक कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, समहाउ इट इज़ इंटर रिलेटेड, कि जब आपकी तैयारी अच्छी है, आपने मॉक पेपर्स बहुत सारे सॉल्व कर लिए हैं, और एक ओवरऑल एटीट्यूड भी बच्चे का होता है, वो पेरेंट्स भी थोड़ा सा बच्चे को मोटिवेट करें. अरे इट्स ओनली अ पार्ट ऑफ लाइफ. में बता दूं यार, आरआईएमसी कोई लाइफ थोड़ा है किसी की. आरआईएमसी इज ओनली अ पार्ट ऑफ लाइफ. अल्टीमेटली ये एक रास्ता तो है. आपका एम अगर आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनने का है, सो इट इज़ ओनली अ वे. देर आर लॉट्स ऑफ ऑफिसर्स जिन्होंने आरआईएमसी की शक्ल नहीं देखी. बहुत सारे सैनिक स्कूल वाले, बहुत सारे डायरेक्ट एनडीए वाले, बहुत सारे सीडीएस वाले. ओके, तो ये सिर्फ एक रास्ता है. आरआईएमसी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो इसको उस रास्ते की तरह लेकर चलो कि आपको उस रास्ते में अच्छे से चलना है, बस दैट्स इट. मतलब यू हैव टू जस्ट परफॉर्म ऑन दैट पर्टिकुलर डे. आपको बस अपना बेस्ट देना है, आपको बस बढ़िया परफॉर्म करना है उस दिन, दैट्स इट. ये आपका मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए. ओके, अगर इस एटीट्यूड के साथ जाओगे तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा जाएगा. कभी कभी बच्चे बोलते हैं, सर अगर मैथ्स का पेपर वैसे ही आ गया तो जैसे पिछले बार आया, तो वैसे आ गया तो क्या हो गया, सभी के लिए वैसे आ गया. ओके, अब उस मैथ्स के पेपर में या उस काइंड ऑफ रिसोर्स में आप कैसे अपने आप को बेसिकली अपने आप को इम्प्लीमेंट करते हो, या कैसे आप उसको परफॉर्म करते हो, वो मैटर करता है. ठीक है, वैसे तो इस बार हमने रीजनिंग वाला पार्ट भी काफ़ी किया है. ठीक है, जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी करी होगी उन्होंने कहीं ना कहीं परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रिप्टो अर्थमेटिक या ऐसे कुछ रीजनिंग, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस, डायरेक्शन सेंस, ऐसे क्वेश्चंस तो काफ़ी करें. और इस बार एग्जाम में आगे मुझे पता है बच्चे वेल प्रिपेयर्ड हैं. ठीक है, और अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएँ विच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो सभी के लिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अटैम्प्ट ज़रूर कीजिएगा. अटैम्प्ट करना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो अटैम्प्ट वाला, और कुछ भी हो सकता है, क्या पता इस बार इंग्लिश का पेपर कुछ अलग ही आ जाए, कभी कभी वो कुछ और सेक्शंस को कंबाइन कर लेता है, तो उसके लिए भी अपने आप को शांत रखिएगा. बी वेरी काम एंड कंपोज, बी वेरी पॉजिटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख लेता हूँ, ये कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये भी लिख लेता हूँ, बी पॉजिटिव. जो होगा अच्छा होगा, और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, चाहे पेपर टफ आए चाहे इजी आए. इजी आए तो कोई बात नहीं, अच्छे से करना. टफ आए तो उसको भी अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा. जितनी नॉलेज है सारी नॉलेज इंप्लीमेंट कर देना ऑन दैट पर्टिकुलर डे, बिकॉज यू हैव टू फाइट वट एवर रिसोर्सेज यू हैव टू फाइट. कारगिल वॉर में जा रहे हैं, विल नॉट कंप्लेन कि हमारे पास ये वेपन नहीं है, वो वेपन नहीं है. जो भी है हम गए, हमने जीता उस वॉर को. ठीक है, हम आप जा रहे हो एग्जाम देने, मैथ्स में ये नहीं हुआ, ये टॉपिक नहीं हुआ, कोई बात नहीं. वट एवर रिसोर्स यू हैव, वट एवर डेटा, वट एवर नॉलेज, वट एवर कंटेंट यू हैव, गो एंड गिव योर बेस्ट. ठीक है, तो बेटा जब ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करते हो ना, तो वो फौजी एटीट्यूड रखो अपने अंदर आप. ठीक है, अगर वो फौजी एटीट्यूड रखोगे ना, डेफिनेटली आप फौज में यही सारी चीज़ें, यही तो सिखलाई है फौज की. अभी तो आपने देखा नहीं हमारी आर्मी कितनी एलीट है. ओके, हर मिशंस में जाती है तो कहीं ना कहीं चमकते हुए ही बाहर आती है. ठीक है, आर्मी कम्स विथ फ्लाइंग कलर्स. ओके, इसी तरीके से वही एटीट्यूड रखो, बी पॉजिटिव. ठीक है, बी वेरी काम एंड कंपोज ऑन दैट पर्टिकुलर डे. आपके फ्रेंड्स भी जाएंगे एग्जाम्स देने के लिए, उनके साथ बातें मत कीजिएगा. किसी एग्जाम, किसी पेपर को, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. मेमोरी लॉस वाला फंडा याद रखना. मैथ्स का पेपर हुआ, दिमाग से गया भाई. इंग्लिश का पेपर हुआ, जीके का पेपर दिमाग. इंग्लिश के बाद आप देन यू कैन डिस्कस कि भाई इस, देन यू कैन टॉक विथ योर फ्रेंड्स. ओके, तब आप डिस्कस कर लेना. डू वट एवर आफ्टर द एग्जाम, डू वट एवर यू वॉन्ट. उसके बाद छोले भटूरे खाने खाओ. ओके, लेकिन उससे पहले क्योंकि वो आपकी वॉर है जिसके लिए आपने बहुत टाइम से प्रिपरेशन करी है, तो उसके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा. ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइएगा. बी वेरी काम एंड कंपोज्ड. ओके, ठीक है. आई होप कि आज का सेशन आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उस ऑफर को ज़रूर देखिएगा जो हमने आप लोग के लिए दिया है. ठीक है, वो ज़रूर आपके फियर को ओवरकम करेगा, वो ज़रूर हेल्प करेगा आपके फियर को ओवरकम करने के लिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय, सी यू सून एंड ऑल द बेस्ट. जय हिंद.